हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो पे हम मेनली सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। फर्स्ट आप देखते हैं, पॉपुलेशन इज़ द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट पोजेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड बाई द रिसर्चर। इट इंक्लूड्स द टारगेट एंड एसेसिबल पॉपुलेशन। तो इस पर हम लोग क्या समझते हैं, पॉपुलेशन मतलब जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है? मान लीजिए एक हम पर्टिकुलर सेक्टर में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता में रहती हूँ, तो कोलकाता में जितने भी लोग हैं वो मेरे पॉपुलेशन हो गए, क्योंकि वो मेरे सेक्टर में आते हैं, ठीक है? नाउ कमिंग टू टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स मीटिंग अ सेट ऑफ क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड बाय द रिसर्चर फॉर विच ही विशेस टू जनरलाइज द स्टडी फाइंडिंग्स। अभी टारगेट पॉपुलेशन में मान लीजिए जितने भी ग्रुप है जिन पे मुझे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए या वैल्यूज़ चाहिए या उनके कुछ पर्टिकुलर जो है क्राइटेरियाज मैच होते, तो वो मेरे टारगेट पॉपुलेशन होंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल दे रखा है कि मुझे बायो साइकोसोशल प्रॉब्लम्स देखना है एचआईवी पेशेंट्स का, ठीक है? तो मेरे जो एचआईवी पेशेंट्स हैं, जितने भी मेरे कोलकाता में एचआईवी पेशेंट्स हैं, वो मेरे टारगेट पॉपुलेशन होंगे। या मान लीजिए मैं एक स्टडी कर रही हूँ जहाँ पे कैंसर ब्रेस्ट जिनको सेकेंड साइकिल ऑफ केमोथेरेपी मिल रहा है, वो जितने भी हमारे कोलकाता में जितने भी कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट हैं विथ सेकेंड साइकिल ऑफ केमोथेरेपी, वो मेरे टारगेट पॉपुलेशन हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा जो आप पॉपुलेशन में देख सकते हैं, एसेसिबल पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, एसेसिबल पॉपुलेशन में ऑल्सो नोन एज द स्टडी पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर हैज़ रीजनेबल एक्सेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स टू द स्टडी रिसर्च स्टडी। एसेसिबल का मतलब क्या है, जिसको हम रीच आउट कर सकते हैं, जिसको मैं पहुंच सकती हूं, वो मेरा एसेसिबल पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि मैं कोलकाता के कोई कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूं, तो उसमें जितने भी कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट हैं सेकंड साइकिल ऑफ केमोथेरेपी मिल रहा है, वो मेरे एसेसिबल पॉपुलेशन है। अगर कोई जो भी कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट है जो मुंबई में है पुणे में है, उनको मैं रीच आउट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास अभी स्टडी के लिए बस 2 महीने हैं, मुझे रिसर्च के लिए मेरे कोर्स में बस मुझे 2 महीने का टाइम दे रखा है। तो मुझे जल्दी से क्या करना है, अपने रिसर्च कंप्लीट करना है। अब उस 2 महीने में मैं मुंबई जाके वहाँ के पॉपुलेशन को एसेस करूँ, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है और वो मेरे लिए एसेसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। पर अगर मैं कोलकाता में रह के कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट देखती हूँ, हॉस्पिटल देखती हूँ जहाँ पे मैं कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट को रीच आउट कर सकती हूँ, तो वो मेरा एसेसिबल पॉपुलेशन हो गया। आई होप आपको ये क्लियर है। मतलब पॉपुलेशन पूरा एक जो हमारा सेक्टर है उसमें जो कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट है वो मेरा टारगेट हो गया, और मेरे हाथों में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं किन को जाके पहुँच पा रही हूँ, वो मेरे एसेसिबल पॉपुलेशन हो गए। अभी यहाँ पे लिखा है, अ सैम्पल इज़ अ लिमिटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हुज प्रॉपर्टीज़ आर स्टडीड टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल। मतलब सैम्पल क्या है, मेरे स्टडी में मैंने जो भी क्राइटेरिया वेरियस क्राइटेरिया के बेस्ड पे सैम्पल्स पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है मेरी रिसर्च के लिए, वो मेरे सैम्पल हो गए। मेरे पूरे एसेसिबल पॉपुलेशन में जिनको भी मैंने एज अ पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किया है, वो मेरे सैम्पल हो गए मेरी स्टडी के लिए, जिनसे मैं इंफॉर्मेशन लूँगी, जिनसे मैं डेटा कलेक्ट करूँगी, ठीक है? तो वो मेरे सैम्पल हो गए। अब यहाँ पे एक वर्ड है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, जो भी मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है, जो पॉपुलेशन है वो आपका सबसे ब्रॉड टर्म हो गया हमारे सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक में, और एलिमेंट जो है वो सबसे अपना बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट पे कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट, या यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लिखा है अ सिंगल एचआईवी पेशेंट, जो एक सिंगल पार्टिसिपेंट है, वो मेरा एलिमेंट हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड,
sampling frame is the list of the eligible participants who meet the characteristics of the population and are accessible to the researcher. यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी हमारे सैम्पलिंग फ्रेम में जो भी हमारे एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स है, एलिजिबल का मतलब जो भी हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मुझे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए अपनी स्टडी में, तो वो जो भी पार्टिसिपेंट्स उन सब चीज़ को मीट कर रहे हैं, और प्लस जो मेरे हाथों के, जो मेरे रीच आउट के, जिनको मैं रीच आउट कर सकती हूँ, जिनके पास जाके मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, तो वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम हो गया. मतलब जो भी एसेसिबल पॉपुलेशन है प्लस जो पार्टिसिपेंट मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहे हैं, तो वो आपका सबका जो लिस्ट है, जो आपका लिस्ट बनाता है, वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम हो गया. ठीक है, अब हम चलते हैं रैंडमाइजेशन की तरफ. यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, रैंडमाइजेशन इज़ अ प्रोसीजर विच गारंटीज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल सो एज टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग ग्रुप्स बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो रैंडमाइजेशन क्या है, वो एक प्रोसीजर है जिसे हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं हमारे सैंपल को. रैंडमली का मतलब जिनका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इनको ही सिलेक्ट करना है और इनको सिलेक्ट नहीं करता है. रैंडमली हम लोग लॉटरी सिस्टम से या विद द हेल्प ऑफ टेबल सिस्टम से हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सैंपल को. इससे क्या होता है, जो भी हमारा पॉपुलेशन है, जैसे हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, तो उन हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, बायसनेस कम रहता है. तो हम बोल सकते हैं जो भी रिसर्च में हम रैंडमाइजेशन यूज़ करते हैं वो रिसर्च आपका बेस्ट रहता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायसनेस कम रहती है. अब बायसनेस जितना कम होगा आपका जो है रिसर्च स्टडी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है रिप्रेजेंटेटिवनेस मीन्स द सैंपल मस्ट बी सिमिलर टू द पॉपुलेशन इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल एज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इट अलाउज द सैंपल फाइंडिंग्स टू बी जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन. मतलब रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या, हमारे जो भी सैंपल है वो क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सैंपल लेते हैं ताकि वो बाकी जो हमारे पॉपुलेशन है, क्योंकि हम लोग सब पॉपुलेशन में हम एक एक सैंपल को नहीं पकड़ सकते. हम अगर मैं कोलकाता में हूँ तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं सारे लोगों को रीच आउट नहीं कर सकती. तो हम पर्टिकुलरली कुछ सैंपल्स को लेते हैं जिनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, क्राइटेरिया रहेंगे, और उन सैंपल को हम रिप्रेजेंट करवाएंगे एज अ होल पॉपुलेशन. मतलब वही सैंपल जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम जनरलाइज करेंगे पूरे पॉपुलेशन के लिए. अभी मान लीजिए कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है, हमें पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोग बंगाली है, तो हम लोग जो बहुत दिनों से ये एक उन लोगों का है, सब लोगों का है कि बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं. अब सब तो मछली पसंद नहीं करते, बट हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा एक तरह का एक रिसर्च आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बोला यहाँ पे मछली बहुत फेमस है, मछली हम लोग खाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ए बंगाली बाबू मछली खावे, है ना. तो इट्स लाइक दैट. तो हम लोग क्या किए हैं, अगर हम बंगाली सुनते तो हम मछली के साथ उनको कनेक्ट करते हैं, बाकी उनको पसंद आए या ना आए एज एन इंडिविजुअल, है ना. तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि कुछ पर्टिकुलर लोगों ने कहा हम लोगों को मछली पसंद है, हम मछली बहुत खाते हैं, इसलिए हमने सारे पॉपुलेशन को हमने एक जनरलाइज कर दिया. और हम लोग देखते भी हैं कि बंगाली लोग बहुत बार वो मछली खाते भी हैं, है ना. Okay, now coming to another word, that is your sampling error. Sampling error is the deviation of the selected sample from the true characteristic of the entire population. This error occurs when the researcher selects a sample that is not representative of the entire population and the result thus generated do not represent the results that would have been obtained from the entire population. जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, deviation हो रखा है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे मान लीजिए मेरा सैंपल है कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट प्लस जिनका सेकेंड साइकिल ऑफ केमोथेरेपी चल रहा है, वो मेरे सैंपल हो गए. अब मुझे सिलेक्ट करना था सैंपल. अब मैंने गलती से, मैंने रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि गलती से मैंने उन लोगों को सिलेक्ट किया है जिनका कैंसर ब्रेस्ट तो है पर उनका या तो फर्स्ट साइकिल चल रहा है या लास्ट साइकिल चल रहा है, वो मैंने गलती से सिलेक्ट कर दिया. तो वो क्या हो गया, आपका एरर हो गया, एक गलती होगी. एरर का मतलब क्या है,
मैंने सैम्पलिंग में सैम्पल कलेक्ट करते टाइम एक गलती कर दी, एक डिविएशन आ गया, ठीक है, मतलब मेरा जो रिसर्च है वो एक जो है रॉन्ग मैसेज प्रोड्यूस करेगा, रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखते हैं सैम्पलिंग बायस, इट रिफर्स टू द सिस्टमिक एरर इन सैम्पल सेक्शन सैम्पल सिलेक्शन लीडिंग टू ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एन एट्रीब्यूट रिलेटेड टू द रिसर्च स्टडी। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, सैम्पलिंग बायस में हम लोगों ने क्या कर दिया, जो सैम्पलिंग में कुछ लोगों को हमने ज़्यादा दिखा दिया और कुछ लोगों को हमने कम दिखा दिया। यहाँ पे जो वर्ड दो है अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड ओवर रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टडी किया है, ठीक है, टोबैको देखने के लिए कि च्यूइंग टोबैको कितना प्रिवेलेंट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जेंडर मैंने जेंडर वो कर दिया है कि मेल में कितना है, फीमेल में कितना है और ट्रांसजेंडर में किया। तो मैंने क्या किया, मेल पॉपुलेशन मैंने 100 ले लिया है, फीमेल पॉपुलेशन मैंने मान लीजिए 98 ले लिया और ट्रांसजेंडर मैंने बस 10 लिए हैं। तो क्या हो गया, जो हमारे ट्रांसजेंडर है वो अंडर रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना, क्योंकि मैंने उनको इतना कम लिया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, राइट। और ओवर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जैसे हमने मेल को 90 ले लिया, मेल को 90 ले लिया, फीमेल को 50 ले लिया और ट्रांसजेंडर को 10 ले लिया, तो मेल को मैंने ओवर रिप्रेजेंट कर लिया बिकॉज मुझे पता है ठीक है मेल में शायद ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग रहेगा, टोबैको च्यूइंग ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैंने मेल को ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट भी मेल को ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपका हो गया ओवर रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादा रिप्रेजेंट कर देना या फिर एकदम कम रिप्रेजेंट करना, हमें इक्वली सैम्पलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नाउ अभी कमिंग टू द सिलेक्शन बायस, सिलेक्शन बायस क्या है, ऑकर्स व्हेन द सब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फॉर द स्टडी और असाइन टू ग्रुप्स इन अ वे दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल, दिस मे पोजेस अ थ्रेट टू द वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी सिलेक्शन बायस क्या है, यहाँ पे इम्पार्शियलिटी हुई है, जैसे मान लीजिए मैंने उन लोगों को लिया है जो मेरे लैंग्वेज को समझ सकते हैं, जैसे कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट, ठीक है, उन पेशेंट को बंगाली आती है तो मैं उनको मैं सिलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि उनको बंगाली आती है और मैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, पर जिन लोगों को हिंदी आती है मैं उनको सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से अपना रिजल्ट मिले, है ना, तो मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, मैं उनको नहीं ले रही हूँ जो लोग बंगाली समझते हैं और उनको ले रही हूँ जो लोग हिंदी समझते, वो क्या हो गया सिलेक्शन बायस। तो आपका सिलेक्शन बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको उनको लेना है जो आपके क्राइटेरियाज़ को मैच करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ इनके साथ मेरी अच्छी बनती है तो मैं इनको ही लूँगी और मेरा रिजल्ट बेटर आएगा, तो ऐसा सोच के नहीं लेना। नाउ कमिंग टू सैम्पलिंग प्लान, इज़ एन एक्सप्लिसिट प्लान स्टेटिंग द सैम्पलिंग मैथड सैम्पल साइज एंड द सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। सैम्पलिंग प्लानिंग जो हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं या हम लोग एक प्लान बनाते हैं, तो आपका सैम्पलिंग का भी एक प्लान है, हम लोग कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, उनमें से क्लस्टर करेंगे, परपसिव करेंगे, तो ये आपका सैम्पलिंग मेथड हो गया। सैम्पलिंग साइज हम कितना लेंगे, हमारे जो लास्ट सेंसेस हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमें कितना सैम्पल लेना चाहिए, अगर मैं क्वांटिटेटिव स्टडी कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा चाहिए, क्वालिटेटिव कर रही हूँ तो मुझे कितना कम चाहिए, कितने कम में हो जाएगा, या हम सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हम कैसे जो है सैम्पलिंग करेंगे, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे सैम्पल को, कैसे हम चुनेंगे, तो ये जितना भी प्लान आउट है वो आपका सैम्पलिंग प्लान में आ गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है हम लोग वो क्राइटेरियाज बनाते कि ये क्राइटेरिया ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन पार्टिसिपेंट्स में होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सिंपल वे में हम बताते हैं, इंक्लूजन मतलब ये सारे क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट प्लस सेकेंड साइकिल ऑफ केमोथेरेपी, इंक्लूजन क्राइटेरिया में मैंने क्या लिख दिया, फीमेल होनी चाहिए,
कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट होनी चाहिए, सेकेंड साइकिल ऑफ केमोथेरेपी मिलनी चाहिए। मैं उनको जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ या इंटरव्यूज ले रही हूँ उसके सारे आंसर्स देने चाहिए, ये मेरी इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ गया। एक्सक्लूजन क्या हो गया, जिनको सेकंड साइकिल नहीं बाकी थर्ड फोर्थ साइकिल मिल रहा है वो मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया। जो पेशेंट्स क्रिटिकली इल है उनको मैं नहीं ले रही हूँ, जो पेशेंट्स अभी डिस्चार्ज होने वाले हैं उनको मैं नहीं ले रही हूँ, तो वो सारे आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आ गए। ठीक है, तो ये सारे हैं जो मैं क्राइटेरिया डिसाइड करती हूँ अपने सैंपल के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक में। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये एक फिगर है, यहाँ पे आप देख लीजिए जो पॉपुलेशन है वो बड़ा सेक्टर है, उसके नीचे आपका है टारगेट पॉपुलेशन जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद है एसेसिबल पॉपुलेशन जो हमारे हाथों में पॉपुलेशन है, उसके बाद है सैंपल हमारे जितने भी सैंपल हैं, और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट या एलिमेंट या इन्फॉर्मेंट जो मैंने आपको पहले बताया, जो एलिमेंट एक पर्टिकुलर पेशेंट, एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट या एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट, आपका सब्जेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट और इन्फॉर्मेंट, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी ताकि आपको आपकी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प मिले। थैंक यू।